नमस्ते प्रणाम समस्त भूतप्रिया जान के विजय चौहान के साथ प्रणाम। हम आशा करते हैं जो लोग अच्छा हो हम लोग तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शिल्पी राज का घर कहाँ है। तो जैसे कि आप सभी तमाम तरह के वीडियो देखे होंगे जिसमें कोई बोलता है शिल्पी राज का घर बिहार में, तो कोई बोलता है सिवान है, तो कोई बोलता है कि पटना में है। मगर आप सभी को बता दें कि शिल्पी राज का जो जन्म स्थान है वो देवरिया ज़िले के भाटपरानी के करही पांडे में, मतलब इनका घर है या इनका जन्म स्थान है। अगर कोई भी यूट्यूबर इनके घर के या इनके फैमिली के ऊपर वीडियो बनाना चाहता है या कोई ब्लॉगर भी इनके फैमिली या इनके घर के ऊपर ब्लॉगिंग वीडियो बनाना चाहता है, तो अगर वो मतलब बिहार साइड यानी पटना साइड से आ रहा है तो उसको देवरिया ज़िला और सिवान ज़िला के बीच में भाटपरानी एक रेलवे स्टेशन पड़ेगा। इन दोनों ज़िला के बीच में ही एक भाटपरानी यूपी का रेलवे स्टेशन पड़ेगा, वहाँ पे उतर जाएगा वो यूट्यूबर या जो भी इंसान मिलना चाहता है इनके घर वालों से या किसी से, वहाँ पे उतर जाएगा और वहाँ से पूछेगा कि करही पांडे कहाँ पे है भाटपरानी में उतर के, तो कोई भी बता देगा क्योंकि भाटपरानी से करही पांडे मात्र 2 किलोमीटर है। अगर कोई यूट्यूबर लखनऊ साइड से आता है या और कहीं से आता है तो गोरखपुर और देवरिया, मतलब गोरखपुर से देवरिया आएगा और देवरिया से और सिवान के बीच में भाटपरानी रेलवे स्टेशन पड़ेगा, ठीक है। तो पूछ लेगा कि भाटपरानी रेलवे स्टेशन से करही पांडे कितना दूर है, तो कोई भी बता देगा भाटपरानी से करही पांडे कितना दूर है। और वो यूट्यूबर वहाँ से उतर के ऑटो पकड़ लेगा और ऑटो से मात्र 10 मिनट में शिल्पी राज के घर पर पहुँच जाएगा, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा अगर इस तरह से वो एड्रेस पूछता है तो। सो गाइस, जब चलिए बात कर लेते हैं कि हम शिल्पी राज के साथ मिले हैं तो किस किस तरह का वीडियो मतलब उनके साथ में बनाए हैं और उनका फ़ोटो क्लिक किए हैं, तो आइए देख लेते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि हम विजय चौहान से भी मिल चुके हैं, आप सभी फ़ोटो देख ही लिए होंगे, हमारे पहले ब्लॉगिंग वाले वीडियो में भी था, अब भी है। तो चलिए अब वीडियो को देखते हैं कि कैसे कैसे उनके साथ वीडियो शूट किया गया है। तो गाइज, कुछ लोग बोलते हैं शिल्पी राज को बहुत ही ज़्यादा घमंड है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि कुछ ऐसे क्लिप हैं जिससे आप सभी को पता चल जाएगा कि हाँ, क्या शिल्पी राज को घमंड है या वो सिंपल इंसान है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है। दिनेश की दुकान के लिए जल्दी जितना आगे आ जाए जल्दी उतना। हेलो नमस्ते प्रणाम, कौन सा यूट्यूब चैनल आपका? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दीजिए। नमस्ते। हेलो नमस्ते प्रणाम, और मैं गायिका शिल्पी राज, और ये है हमारी छोटी सिस्टर आकांक्षा जी, जो कि बहुत ही अच्छी, अभी इनका मैंने वीडियो अपने इंस्टा पे डाला है, एक वीडियो जो कि बहुत ही अच्छा डांस कर रही हैं। और आज मेरा सैड सॉन्ग राहत रिलीज़ हो रहा है बालाजी रिकॉर्ड्स पे, तो आप लोग 11 बजे आज ही, तो आप लोग ज़रूर सुनिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। नमस्ते। और आकांक्षा जी बहुत ही अच्छा डांस करती हैं, इनका सपोर्ट कीजिए।